मैंने लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना है, अरे जीवन तो एक ही मिला है, जितना मौज मस्ती करना है, जितना इंजॉय करना है कर लो, जितना खाना पीना है जो खाना पीना है खा लो, जितना सेक्स करना है, जितना संभोग करना है, जितनी वासना को पूरी करनी है कर लो, न जाने फिर कभी ये जीवन मिले ना मिले। क्या करें और क्या कहें, आज के जीवन की शैली ही यही है। जो देखोगे वही सोचोगे, वही समझोगे और वही दूसरों के लिए भी परोसोगे। इन सभी चीजों से आज ना कोई बचा हुआ है और ना ही कोई बच सकता है। फिर क्या वो तरीका है जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकें और सही तरीके से जीने की कोशिश कर सकें। दूसरों से प्रभावित होना छोड़ दो और अपने जीवन का आंकलन मूल्यांकन खुद करो, खुद से बात करो, खुद में सोचो और विचारो कि तुम क्या चाहते हो। वो सारी चीजें जो दुनिया तुम्हें परोस रही है या वो जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई अच्छाई है उसको तुम उजागर करना चाहते हो, तुम आगे कुछ करना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है उसको निर्धारण करो। ये दुनिया कभी नहीं चाहती कि तुम अच्छे बनो, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि तुम बुरे जितने बने रहोगे वो उतना ही ज्यादा तुम्हारा उपभोग कर सकेंगे, उतना ही ज्यादा तुमसे अपनी वासना और हवस को मिटा सकेंगे। तुमको ठीक करना किसी का दायित्व नहीं है और ना तुमको कोई ठीक कर सकता है। तुम्हारे मन के अंदर जो गाद जमी हुई है, तुम्हारे मन के अंदर जो घृणित विचारधारा का विकास हो चुका है, उसे तुम्हें खुद ही खत्म करना होगा। वो मन तुम्हारा इतना मैला हो चुका है कि उसने तुम्हारे मस्तिष्क को भी भ्रष्ट कर दिया है और तुम्हारा मन जो चाहता है तुम वही करते हो। तुम अत्यधिक सुख पाना चाहते हो, लेकिन इतना समझ लो कि तुम तब तक अपने जीवन में सुखी नहीं हो सकते जब तक तुम खुद में संतुष्ट नहीं होते, और ये संतुष्टि तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम्हारे अंदर त्याग की भावना आएगी, जब तुम्हारे अंदर किसी चीज को करने की प्रेरणा आएगी, और जब तुम उस चीज को करने में अपना खून और पसीना बहाओगे और उससे जो फिर तुम्हें फल मिलेगा, चाहे थोड़ा बुरा ही क्यों ना हो, थोड़ा कम ही क्यों ना हो, उससे जो तुम्हें सुकून मिलेगा वो सुकून सदा के लिए तुम्हें स्मरण रहेगा और सदा के लिए तुम्हें सुखी बनाएगा। क्षणिक मात्र का सुख कभी तुम्हें सुखी नहीं बना सकता और वो हमेशा तुम्हारे अंदर उफान लेता रहेगा, उबलता रहेगा और तुम्हें भी उबालता रहेगा।